हाय गाइस, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का जो क्वालिफायर 2 मैच खेला जाने वाला है वो यार खेला जाने वाला है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। इस सीजन की आईपीएल आखिरी कदर पर पहुंच गई है। इस मैच में ये जो दोनों टीम आपस में भिड़ने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए यहां तक आए हैं। इस मैच में दोनों टीम के तरफ से पूरी ताकत देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे जो भी टीम इस मैच में विन करेगा वो चला जाएगा फाइनल मैच खेलने के लिए और जो भी टीम इस मैच में हारेगी उसकी सफर इस आईपीएल के सीजन से खत्म हो ही जाएगी। इन दोनों टीम का अभी तक हमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। दोनों का कोशिश रहेगा फाइनल में खेलने के लिए। ये मैच बहुत शानदार मैच हमें देखने को मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम बताएंगे इस मैच में कौन सी टीम विन करने वाला है, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड प्लेइंग 11 के साथ साथ बहुत सारे बातें हमें करने वाले हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले सबसे अहम चीज के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि हमारे और आपके प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। वो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए क्योंकि दोस्तों हम वीडियो में कुछ टेक्स और ओवरव्यू भी बता पाते हैं। जो असली प्रेडिक्शन होता है वो हमारे टेलीग्राम पर आता है। टॉस, सेशन, विकेट कॉल, जैकपॉट, मैच विनर, मैच शुरू होने के आधा एक घंटे पहले ही हमारे टेलीग्राम पर इसका अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाता है। हम वीडियो में प्रिडिक्शन तो देते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में प्लेइंग 11 में अदला बदली होता है तो हमें मैच विनर भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसका जो करंट अपडेट वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलने वाला है। देखिए अभी तो आईपीएल खत्म ही होने वाला है, साल भर में जितने भी छोटे बड़े मैचेस खेले जाने वाले हैं उन सभी से भी हमें प्रॉफिट तो कमाना है। साल भर हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं, फिलहाल अभी तो प्रॉफिट चालू है, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस मैच की डेट और टाइम के बारे में बात करें तो ये मैच आपको 26 मई 2023 को इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 में शुरू होता हुआ दिखने वाला है, वो भी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर। चलिए हम हेड टू हेड की रिपोर्ट से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों टीम के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए हैं, उसमें से मुंबई इंडियंस की टीम 2 मैच में जीत हासिल किए हैं, गुजरात टाइटंस की टीम 1 मैच में जीत हासिल किए हैं। इसी आईपीएल के सीजन में इन दोनों के बीच में 2 मैच खेले गए हैं। इन दोनों मैच में से मुंबई की टीम 1 मैच में जीत हासिल किए हैं और गुजरात की टीम 1 मैच में जीत हासिल किए हैं। चेन्नई सुपर किंग फाइनल में पहुंच के फाइनल मैच खेलने के लिए वेट कर रही है, तो ऐसे में इन दोनों टीम में से इस मैच को कौन सी टीम विन कर पाएगा, कौन सी टीम का इस मैच में परला भारी रहेगा, आगे चल के इसी वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम इन दोनों टीम की कंपैरिजन की, तो लास्ट के 10 मैच में इन दोनों टीम का कुछ आंकड़ा ऐसा देखने को मिला है। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस 10-10 मैच खेले हैं। गुजरात टाइटंस की टीम 10 मैच में 7 मैच में जीत हासिल किए हैं और मुंबई इंडियन की टीम 6 मैच में जीत हासिल किए हैं। एवरेज स्कोर में गुजरात की टीम 172 पर है और मुंबई इंडियन की टीम 199 पर है। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर के हिसाब से गुजरात टाइटन की टीम आगे दिख रही है 227 पर है और मुंबई इंडियन टीम की हाईएस्ट स्कोर 218 है। बात करें इनके लोएस्ट स्कोर की तो गुजरात टाइटन की टीम 119 पर है और मुंबई इंडियंस की टीम 139 पर है। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही टीम के बीच में 19-20 का ही फर्क है। चलिए हम एक बार इनके पॉइंट टेबल के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। यहाँ पे दोस्तों गुजरात टाइटन की टीम 14 मैच खेले हैं, 10 मैच में जीते हैं, 4 मैच हार के साथ 20 पॉइंट में पॉइंट टेबल पर है। इसके अलावा मुंबई इंडियन की टीम भी 14 मैच खेले हैं, 8 मैच में जीत हासिल किए हैं, 6 मैच हार के साथ 16 पॉइंट में पॉइंट टेबल पर है। बात करें इनके लास्ट 5 मैच की फॉर्म की, गुजरात टाइटन्स की टीम 5 मैच में से 3 मैच में जीत हासिल किए हैं और 2 मैच में हारे हैं। मुंबई इंडियन की टीम लास्ट के 5 मैच में एक ही मैच में हारे हैं और 4 मैच में जीत हासिल करते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं। मुंबई इंडियन की टीम एलिमिनेटर मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट में खेली थी, उस मैच में मुंबई इंडियन की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को बुरी तरह हराते हुए आई है। गुजरात टाइटन्स की टीम इनके लास्ट मैच चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट में खेले थे, बहुत ही इस सीजन की क्वालिफायर मैच 1, उस मैच में चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटन्स को हरा देती है, मतलब कि गुजरात टाइटन्स की टीम इनके लास्ट मैच हारते हुए यहां तक पहुंची है। अब चलिए हम इनके प्लेइंग 11 को भी देख लेते हैं, पिछले मुकाबले में खेलने वाली प्लेइंग 11 ही रहने वाला है या फिर कुछ बदलाव हुआ है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 को देखेंगे तो इनके ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन। पिछले मैच में इन दोनों का बल्ला उतना कुछ अच्छा चला नहीं था। इनके 3 नंबर में देखेंगे कैमरन ग्रीन और 4 नंबर में सूर्य कुमार यादव। मिडिल ऑर्डर में इन दोनों बल्लेबाजों का बहुत अहम रोल रहता है। ग्रीन पिछले मैच में 23 गेंद पर 41 रन बनाए थे, सूर्य कुमार यादव भी पिछले मैच में 20 गेंद पर 33 रन बनाए थे। पांचवें आपको देखेंगे तिलक वर्मा, छठे नंबर में नेहाल बदेरा, सातवें नंबर में टीम डेविड, 8 नंबर में जेसन बिहेनड्रॉफ, 9 नंबर में पीयूष चावला, 10 नंबर में क्रिस जॉर्डन, 11 नंबर में आकाश मधुवाल। यही सारे खिलाड़ी पिछले मैच में हमें खेलते हुए देखने को मिले थे, शायद इस मैच में भी यही खिलाड़ी खेलते हुए आपको नजर में आने वाले हैं। इसके अलावा हम गुजरात टाइटन्स की प्लेइंग 11 को देखेंगे तो इनके ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं वृद्धिमान शाह के साथ सुमन गिल। वृद्धिमान शाह का पिछले मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला, 11 गेंद पर 12 रन ही बनाए थे और सुमन गिल बैक टू बैक 2 शतक जड़ने के बाद पिछले मैच में 38 गेंद पर 42 रन बनाते हुए देखने को मिले थे। तीसरे नंबर में आर साई सुदर्शन, चौथे नंबर में हार्दिक पांड्या। साई सुदर्शन और हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हुए देखने को मिलते हैं। पिछले मैच में साई सुदर्शन 36 गेंद पर 47 रन बनाते हुए देखने को मिले थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का उतना अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला। पांचवे नंबर में विजय शंकर और 6 नंबर में डेविड मिलर, सातवें नंबर में राहुल त्रिवेदी, 8 नंबर में राशिद खान, 9 नंबर में नूर अहमद, 10 नंबर में मोहम्मद शमी, 11 नंबर में यश दयाल। दोस्तों यही सारे खिलाड़ी आपको मैदान में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों टीम इस सीजन में बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई है। दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, बाकी आप चैनल में
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस आईपीएल के बाद साल भर में जितना भी मैचेस खेला जाएगा उन सारे मैच के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब चले मैच के सबसे अहम टॉपिक पर चलते हैं, वो है दोस्तों पिच की रिपोर्ट। पिच की रिपोर्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट का हम सही तरह से समझ लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा इस मैच में कौन सी टीम का कैसा रोल रहने वाला है, फर्स्ट इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स में क्या क्या होने वाला है, बल्लेबाजों का बल्ला बोलेगा या फिर गेंदबाजों का गेंद बोलेगा, इसी पिच की रिपोर्ट में हमें सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पिच की रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, जो कि आपको भी पता है गुजरात टाइटंस की होम ग्राउंड है। इस वेन्यू पर आईपीएल की टोटल 17 मैचेस खेले गए हैं। इन 17 मैच में से यहाँ पे 59% मैच डिफेंड होते हुए देखने को मिला है, 41% मैच चेस होते हुए देखने को मिला है। यहाँ की जो एवरेज स्कोर है वो है पहले इनिंग्स में 168 और सेकंड इनिंग्स में 156। इस पिच की हाईएस्ट टोटल के बारे में बात करें तो 20 ओवर में 227 पर 2 विकेट है और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 20 ओवर में 123 पर 9 विकेट है। यहाँ पे हाईएस्ट चेस जो है वो है 20 ओवर में 207 पर 7 विकेट, यहाँ पे लोएस्ट डिफेंस जो है 20 ओवर में 168 पर 7 विकेट है। इस पिच पर पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करना सही रहता है, जबकि ये पिच डिफेंड फ्रेंडली पिच है। बाकी अभी का जो आईपीएल की सीजन चालू है इसी सीजन में 7 मैच यहाँ पे खेले गए हैं। इन 7 मैच में से यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम 57% मैच में विन करते हुए देखने को मिले, यहाँ पे पहले बॉलिंग करने वाली टीम 43% मैच में विन करते हुए देखने को मिले। मतलब कि यहाँ पे 4 मैच डिफेंड होते हुए देखने को मिला है, 3 मैच यहाँ पे चेस होते हुए भी देखने को मिला है। अभी के आईपीएल के सीजन में जो यहाँ पे एवरेज स्कोर दिखी है वो है पहले इनिंग्स में 187 देखने को मिली है और सेकंड इनिंग्स में 167 देखने को मिली है। और एक बात दोस्तों, यहाँ लास्ट के चारों के चारों मैच यहाँ पे डिफेंड हुई थी। अब चलिए हम इस पिच के बिहेवियर के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे लास्ट के जो 10 मैच खेले गए उन 10 मैच में से ये पिच बैटिंग फेवर पिच रह चुकी है, वो भी यार दोनों के दोनों इनिंग्स के बल्लेबाज यहाँ पे बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। ये पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करने के साथ साथ स्पेस गेंदबाजों को भी सपोर्ट करता है। जितना अच्छा इस पिच पर बल्लेबाजों का बल्ला चलता है उतना ही अच्छा स्पेस गेंदबाजों का यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिलता है। यहाँ पे लास्ट के 100% विकेट्स में से स्पेस गेंदबाज यहाँ पे 72% विकेट लेते हुए देखने को मिले हैं और स्पिन गेंदबाज यहाँ पे 28% विकेट लेते हुए देखने को मिले हैं। स्पिन गेंदबाजों से कई गुना ज्यादा अच्छा स्पेस गेंदबाजों का यहाँ पे गेंद देखने को मिलता है। दोस्तों इस वेन्यू पर लास्ट के 10 मैच में जो एवरेज स्कोर दिखा था उसके ऊपर नजर डाले तो आपको यहाँ पे पहले का जो 6 ओवर पावर प्ले का रहता है उसमें पहले इनिंग्स में 51 देखने को मिलेगा, सेकंड इनिंग्स में वही स्कोर घटता हुआ 43 देखने को मिलेगा। 10 ओवर में यहाँ पे पहले इनिंग्स में 87 रन देखने को मिलेगा और सेकंड इनिंग्स में वही स्कोर घटता हुआ 72 आपको देखने को मिलेगा। 15 ओवर में आपको यहाँ पे पहले इनिंग्स में 129 रन देखने को मिलेगा और वही स्कोर सेकंड इनिंग्स में घटता हुआ 117 रन देखने को मिलेगा। आखिरी के 20 ओवर तक आपको यहाँ पे पहले इनिंग्स में 183 रन देखने को मिलेगा और वही स्कोर घटता हुआ सेकंड इनिंग्स में 161 देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके और हमारे भाषा में इसको हम सेशन बोलते हैं। इस मैच में यही सारा सेशन आपको देखने को मिल सकता है। इन सारे सेशन से हम मैच में ढेर सारा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें से कौन सी सेशन एस होगा कौन सी सेशन नो होगा उसका जो करंट प्रिडिक्शन वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे पहले हमारे टेलीग्राम की फैमिली में बहुत सारे बंदे जुड़े हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं, तो क्यों ना बनाए। बैक टू बैक मैच भी पास जा रहा है, जैकपॉट भी लग रहा है, ऐसे में आपको हमारे टेलीग्राम की फैमिली में अवश्य ज्वाइन होना चाहिए। अब हम पिच रिपोर्ट के आखिरी रिपोर्ट में जानेंगे बाउंड्री की डायमेंशन को। दोस्तों यहाँ का जो ग्राउंड की साइज है वो मीडियम साइज है। यहाँ का जो स्ट्रेट बाउंड्री जिसको हम सामने की बाउंड्री बोलते हैं वो 70 मीटर की है, लेग साइड की बाउंड्री वो आपको 69 मीटर की देखने को मिलेगी और ऑफ साइड की बाउंड्री वो 74 मीटर की देखने को मिलेगी। ये मैच शायद हमें मीडियम से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच से रिलेटेड हमारे तरफ से आपके लिए कुछ प्रिडिक्शन है। आज का पहला प्रिडिक्शन में राशिद खान आकाश मधवाल ये दोनों गेंदबाज मिलकर 5 से ज्यादा विकेट चटकाते हुए आपको दिखेंगे। दूसरे प्रिडिक्शन में दोस्तों शुभमन गिल ईशान किशन दोनों बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन बनाते हुए दिखेंगे या फिर इनमें से कोई एक खिलाड़ी 50 से ज्यादा रन बनाता हुआ दिखेगा। आज का तीसरा यानी कि आखिरी प्रिडिक्शन में इन पूरे दोनों इनिंग्स के मैच में 10 से 12 सिक्स लगता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम इस मैच से रिलेटेड पूरी बातें कर चुके हैं। हेड टू हेड टीम कंपैरिजन प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी बारीकी से बात कर चुके हैं। अब चले हम जान लेते हैं इस मैच में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन करेगा। दोस्तों यहाँ पे इन सभी स्टेक्स को देखने के बाद सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें इस मैच में मुंबई इंडियन की टीम इस मैच को अपने नाम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में इस मैच की रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। फिर मिलते हैं इस मैच के बाद जो फाइनल मैच खेला जाएगा उस मैच की वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।